हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे पनीर रोटी रोल। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग बची हुई रोटी से क्या क्या बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 100 ग्राम पनीर, जिसको अच्छी तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर एक बाउल में इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर हम तीखे के लिए 2 हरी मिर्चें चॉप करके ऐड कर लेंगे। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और नमक ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ पर सीजन सॉस ऐड की है 1 स्पून। अच्छे से सभी को हम मिला लेंगे। तो अच्छे से मिलाते जाएंगे। मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है। यहाँ पर अपनी एक बची हुई रोटी ले लेंगे और उस पर ये सारा मिक्सचर अच्छे से लगा देंगे। तो अच्छी तरीके से रोटी पे इस मिक्सचर को लगा लेंगे। यहाँ पर एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल या बटर, अच्छे से उसे गरम कर लेंगे। फिर रोटी को इस पर रख देंगे और अच्छे से दोनों साइड से 5 मिनट के लिए हम सेक लेंगे। तो अच्छी तरीके से अलट पलट करके इसको सेक लेंगे। फिर हम इसके लिए कट कर लेते हैं कुछ वेजीज, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है खीरा। अच्छे से खीरे को हम कट कर लेंगे। फिर मैं यहाँ पर ले लूँगी टमाटो को भी अच्छे से कट करेंगे। वेजीज आप अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हैं। टमाटो अच्छे से कट कर लिया। यहाँ पर हम ऑनियन ले लेंगे और ऑनियन को भी अच्छे से छोटा छोटा सा कट करेंगे। फिर यहाँ रोटी ले लेंगे और इस पर ऐड कर लेंगे अपनी वेजीज, जैसे कि मैंने यहाँ पर खीरा ऐड कर लिया है, टमाटो ऐड करेंगे, प्याज ऐड कर लेंगे। सभी को अच्छी तरीके से ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर और ग्रेट किया है, जिससे कि हमारा रोटी रोल बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा। फिर यहाँ पर हम सॉस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने टमाटोज केचप लिया है, मेयोनीज ऐड कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा रोटी रोल बनकर तैयार है। ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी था। अच्छे से इसको रोल कर लेंगे। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आई और आपके बच्चों लोगों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो फटाफट से इंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रोटी रोल कैसा लगा था। इंजॉय करना और लाइक कमेंट शेयर करना। बाय बाय।